बहुत से कपल्स मेरे पास आके कहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ चीट किया है, शी हैज अ फिजिकल रिलेशनशिप और मेरे साथ चीटिंग हुई है, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत कॉमन सिनेरियोज हैं आजकल के टाइम पे, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हो गया ऐसे, मेरे पार्टनर ने कहीं और जाके फिजिकल रिलेशन बनाए, मेरे में क्या कमी थी, क्या कंटिन्यू करना चाहिए, क्या माफ कर देना चाहिए, सबके बारे में बात करूंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपको आपके रिलेशनशिप टिप्स दे पाऊं ताकि आप हर्ट ना हो, आप सेफ रह सकें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि अगर आपके बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने बाहर सेक्स किया है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद आपको चीट किया है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझें कि वो लव, वो बॉन्डिंग दोबारा से डेवलप कभी भी नहीं हो पाएगी। अगर वो आपसे माफी भी मांग रहा है और ये कह भी रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आउट ऑफ सम इमोशन या फिर पता नहीं कोई एडिक्शन हो गया था, कुछ हो गया था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो भी चांस देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। सीड आपने मिट्टी में डुबोया और उसके बाद एक पेड़ बना, क्या उस पेड़ से आप दोबारा सीड तक जा सकते हैं? जो हो गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, और माफ करना सरासर बेवकूफी होती है क्योंकि आपको लाइफ में बार 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 हर्ट किया जाएगा। मैरिज के बाद या किसी बॉन्ड में बनने के बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में है या आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है तो ये सरासर धोखा है एंड सिंपली मीन्स कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तभी वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में गए हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि वो बहुत जेन्युइनली सॉरी बोल रहे हैं एंड इट वाज समवेयर आउट ऑफ सम रॉन्ग इंटेंशंस, तो फिर आपको दो बार सोचने की जरूरत है। लेकिन सिंपल एडवाइस, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइस हैं, तो खुद को पागल ना बनाएं, उनसे बार बार एक्सप्लेनेशंस ना लें और इस रिश्ते से बाहर आ जाएं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप टिप्स के वीडियो आते रहेंगे, कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें।